हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। ये टाइम कोरोना वायरस से लड़ाई का चल रहा है, उम्मीद है कि हम लोग इस लड़ाई में जरूर जीतेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 9th का साइंस लेकर आया हूँ, उसमें भी फिजिक्स का पार्ट है, चैप्टर 8 है और चैप्टर का नाम है मोशन। आप लोगों के पास तो किताब भी नहीं होगा, फिर भी मैं कोशिश करूँ कि आपकी किताब की सारी बातें बता दूँ। क्वेश्चन आंसर थ्योरीज सारे न्यूमेरिकल्स आपके साइंस में इस बार बहुत ज़्यादा आने को है। न्यूमेरिकल्स मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन टाइप के चैप्टर्स, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है मोशन। इस चैप्टर में भी आपको मैथमेटिकल टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वर्ड को समझते हैं। रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये रेस्ट क्या होता है? मान लीजिए कोई कार है, आपने आज रात में पार्क कर दी पार्किंग में, ठीक है। सुबह उठे, वो कार वहीं लगी हुई थी। शाम गए, वो कार वहीं लगी हुई थी। जब तक आप उसको वहां से हटाएंगे नहीं, तब तक वो कार वहीं पे लगी रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब टाइम तो बीतता गया, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोई चेंज नहीं हुआ। अगर टाइम बीतता जाए, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है, तो हम उसको रेस्ट में कहते हैं। रेस्ट में कब कहते हैं? रेस्ट में कब कहते हैं? इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज, डज नॉट, लिखते डज नॉट चेंज, इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। इट इज सेड टू बी इन रेस्ट, यानी कि टाइम बीतता गया, जैसे जैसे टाइम बीता, वैसे वैसे टाइम बीतने के साथ साथ ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन को चेंज नहीं करा, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं पोजीशन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, पोजीशन ऑफ अ बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए 5 स्टोरी बिल्डिंग है, आपका घर मकान है, टाइम कितना ही बीत जाए, वो वहीं पर का वहीं पर रखा रहेगा, है ना। तो उसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। तो इस तरह से हमको समझ में आया रेस्ट क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी। तो आई थिंक आपको रेस्ट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद एक वर्ड है मोशन। अब जस्ट इसका उल्टा कर दो। टाइम बीतता गया और वो जगह भी अपना चेंज कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप घर से निकले स्कूल जाने के लिए, तो आप मान लीजिए अपने आप को ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो जब आप घर से स्कूल जाने को निकले, तो 5 बज के, ओ चलिए मान लीजिए 5 बजे ही आप कहीं जाने को निकलते हैं, 5 बज के 10 मिनट में कहीं दूसरी जगह पहुंच गए, 5 बज के 15 मिनट में और किसी दूसरी जगह पहुंच गए। तो क्या हो रहा है? जैसा जैसा टाइम बीत रहा है, वैसा वैसा आपका पोजीशन चेंज होता जा रहा है। तो टाइम के साथ साथ आपका पोजीशन भी अगर चेंज होगा, तो आप उसको क्या कहेंगे? मोशन, है ना। इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, then it is said to be in motion। अगर टाइम बीत रहा है ना, टाइम बीत रहा है और ऑब्जेक्ट का भी पोजीशन चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम मोशन में कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये दो वर्ड रेस्ट एंड मोशन समझ में आ गया होगा। मोशन का मेन मोटिव क्या है? तो हम इसमें ऑब्जेक्ट की मूविंग, ऑब्जेक्ट का कंडीशन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो सबसे पहले क्या मन में आता है आपके? जैसे आप मूव कर रहे हैं, घर से स्कूल को जा रहे हैं, तो आप कहेंगे मैंने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा। मेरा घर से मेरा स्कूल 50 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर है, 200 मीटर दूर, तो आप ये क्या कहते हैं? ये डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए यहां पे आप हैं, ये आपका घर है,
और ये आपका स्कूल है। तो आप यहां से यहां आ रहे हैं, यहां से यहां आने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। एक तो आप सीधा ऐसे चलते आ जाइए, ठीक है, चलिए ये अच्छी बात। मान लीजिए आप यहां से चले, पहले इस प्लेस पे आए, फिर इस प्लेस पे आए, फिर इस प्लेस पे, फिर ऐसा आप पहुंचे। तो आप यहां से घर से स्कूल जाने में डिफरेंट डिफरेंट पाथ का यूज कर रहे हैं, अलग अलग रास्ते का यूज कर रहे हैं। तो ये पाथ जो आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ को यूज करते हैं, उसका एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है, एक्चुअल मेजरमेंट जो होता है, उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। तो बच्चों डिस्टेंस क्या होता है, अब मैं इसको लिख देता हूं। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल एक्चुअल ट्रेवल पाथ बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट्स टू प्लेस इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो जगह के बीच में एक्चुअल पाथ जो कवर्ड होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। इसको मेजर कैसे करते हैं, इट इज मेजर्ड इन मीटर, यानी कि डिस्टेंस को आप किसमें नापते हैं, मीटर में नापते हैं। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई आपको। अब देखिए बुक में एक वर्ड लिखा जाता है, बुक में क्या लिखा जाता है, क्या लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अब इस वर्ड को समझेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस वर्ड को समझते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि आपको स्कूल जाना है, तो मैं पूछूंगा कितना दूर आप गए, तो आप कहेंगे 50 मीटर। ये जो आप 50 बोलते हैं ना, यही मैग्नीट्यूड होता है। मैंने कहा जाओ मेरे लिए राइस खरीद के लेके आओ, तो आप जब मार्केट गए राइस खरीदने के लिए, तो आपने उससे क्या कहा कि भाई 5 kg राइस देना। तो ये 5 जो आपने बोला ना, यही मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी होता है। तो इसमें जो होता है डिस्टेंस में, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो ये बात आई थिंक आपने डिस्टेंस समझ लिया है। अब मैं इसके आगे बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी समझ लेते हैं पहले, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बुक में दिए हुए हैं और अच्छे हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन। फिर एक हम अपने तरफ से क्वेश्चन देंगे, बहुत अच्छी लगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट के बीच का एकदम छोटा से छोटा डिस्टेंस जो होता है ना, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, ऐसा डिस्टेंस जो इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस से पहले आप चाहें तो शॉर्टेस्ट लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। शुरुआत आपने जहां से करा, मैंने अभी बताया था, ये आपका घर है मान लीजिए और ये आपका स्कूल है। ठीक है, तो आप मान लीजिए ऐसा जा सकते हैं, ऐसा आए, ऐसा गए, ऐसा गए, ऐसा गए, ऐसा गए, जंपिंग जंपिंग ऐसा गए। ठीक है, या आप यहां से चलना सीधा शुरू किया, यहां तक पहुंच गए। तो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस ये वाला जो एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। और मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये सबसे छोटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। यानी कि एक्चुअल पाथ जो होता है, ये एक्चुअल पाथ है, ये भी एक्चुअल पाथ है, ये भी एक्चुअल पाथ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं हो सकता। ये डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं हो सकता, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखने को समझ में आ रहा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो छोटा होता है, डिस्टेंस जो होता है बड़ा होता है। हम लिख सकते हैं
डिस्टेंस जो होता है बहुत ज्यादा होता है, या बहुत ज्यादा हो तो बराबर हो सकता है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। मान लीजिए यहां से यहीं तक गया तो यही डिस्टेंस होगा, यही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, बराबर हो गया। लेकिन यही बंदा ऐसा गया तो डिस्टेंस ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट कम होगी, ऐसा गया तो डिस्टेंस ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट कम होगी। यानी कि डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई थिंक ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पे, अच्छा इसको मेजर कैसे करते हैं, रफ कर रहा हूं मैं इसे। इसका भी यूनिट मीटर ही होता है। इसका भी यूनिट क्या होता है, इसका मीटर होता है। यूनिट का मतलब जिस चीज में हम किसी चीज को मेजर करते हैं, नाप तौल करते हैं ना, इसका भी यूनिट मीटर होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगी। अब यहां पर भी बुक में कभी कभी क्या लिख देता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख देता है, डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि बुक वाले लिख देते हैं कि डिस्टेंस तो ठीक है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो इस हिसाब से पूरी फिजिक्स में, PHY, पूरी फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इसलिए लिख दिया, ये चूंकि आपके बुक में है ना, एकदम छोटा सा दिया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूं, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए, क्योंकि हर चैप्टर में इससे एक डिफरेंस बनेगा आपका। इसी एक्सरसाइज में, इस यूनिट में दो दो डिफरेंस बनाएंगे, एक तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बनाएंगे इसी के हेल्प से। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, डिस्टेंस। एक और लिख देते हैं स्पीड, कुछ समय के बाद हम पढ़ाएंगे इसको भी, फिलहाल अभी लिख देते हैं स्पीड क्या होता है, बाद पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसका एग्जांपल हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट, और एक ले लेते वेलोसिटी, बाकी बात हम आगे पढ़ते रहेंगे तो और भी हम करेंगे, इसके और सारे एग्जांपल हम धीरे धीरे सीखेंगे। पूरे जब तक आप नाइन्थ और फिजिक्स पढ़ेंगे इन सब चीज की जरूरत पड़ेगी, ये इलेवंथ में भी बहुत काम आएगा आपके, नाइन्थ का फिजिक्स इलेवंथ से बहुत टाइप करता है, मैच करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक मैंने चार बात बताई, रेस्ट, रेस्ट क्या होता है, टाइम के साथ साथ अपना पोजिशन चेंज नहीं करेगा। मोशन, टाइम बीतता गया पोजिशन भी चेंज होता गया, टाइम के साथ साथ उसका जगह प्लेस सब चेंज होता चला गया। ठीक है, उसका डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यह सब बात हो गया। उसके बाद मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, स्केलर और वेक्टर। फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटी मानी गई है, एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। चलिए, इतना सारा बात तो बता दिया, लेकिन जब तक एक क्वेश्चन नहीं हो जाए तब तक मजा नहीं आएगा, है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि बात कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। मान लीजिए एक स्क्वायर पार्क है, एक स्क्वायर पार्क है, तो आप लोग अगर क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। अ फार्मर मूव्स अलोंग अ स्क्वायर फील्ड ऑफ बाउंड्री 10 मीटर। ठीक है, ये मान लीजिए एबीसीडी एक स्क्वायर है,
इसका साइज जो है 10 मीटर का है। एक फार्मर जो है यहां से चलना शुरू करता है। ये आपके पेज नंबर 100, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताने के वास्ते इसे बता रहा हूं, ठीक है, ताकि सारी बात समझ में आ जाए। कह रहा है एक फार्मर है, स्क्वायर पार्क के चारों तरफ मूव करता है, ठीक है, 10 मीटर साइड इन 40 सेकेंड। टाइम कितना लगता है इसको? 40 सेकेंड में। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर? क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड। एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो फार्मर जो कितना मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। चलिए ये सब निकालते हैं। तो आपको गिवन है एक फार्मर है, यहां से चलना शुरू करा और 40 सेकेंड में यहां तक पूरा चल के चला गया, ठीक है। यहां से चला 40 सेकेंड में ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। तो एक राउंड में कितना दूर गया भाई? सब 10 10 का है तो 4 × 10 यानी कि 40 मीटर गया। अच्छा, कह रहे इसी 40 मीटर को जाने में उसको 40 सेकेंड का टाइम लगा। तो 40 मीटर डिस्टेंस इन 40 सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया? वो 1 सेकेंड में वो बंदा 1 मीटर जाएगा। 40 मीटर का डिस्टेंस जो है 40 सेकेंड में जाता है, तो 1 मीटर का डिस्टेंस कितने देर में जाएगा? 1 सेकेंड में जाएगा। चलिए, अच्छा 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब कितना होगा बताइए जरा? 2 × 60 + 20, 140। तो बताइए 140 सेकेंड में कितना जाएगा? 140 मीटर जाएगा, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस है, ये क्या चीज है? ये डिस्टेंस है, यानी कि वो बंदा टोटल इतना चलेगा, 140 मीटर चलेगा। यहां से एक बार चला, फिर दूसरी बार चला, फिर तीसरी बार चला, फिर चौथी बार चल के यहां तक पहुंचा, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गया, लेकिन हमसे तो कहा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। चलिए निकालते हैं। तो जरा बताइए 140 मीटर उसको चलना है, कैसे चलेगा? यहां से चलना शुरू कर, एक राउंड चला 40 मीटर चल गया, फिर से दूसरा राउंड चला, फिर से 40 मीटर चल गया, 80 हो गया, फिर से तीसरा राउंड चला, फिर से 40 मीटर चल गया, 120 हो गया। 130 और 140 कहां पे पहुंचेगा? सी पर पहुंचेगा। तो हम कहेंगे आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड ही विल एट सी। वो कहां पे पहुंचेगा? सी पर पहुंचेगा। यानी कि अब हमको एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकाले, ये निकालने के लिए क्या है? एसी, ए से सी तक का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो एसी निकालेंगे, एसी स्क्वायर इक्वल टू, यहां दीजिए, देखिए ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल, तो ये साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर प्लस कर दीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। इधर रफ कर देता हूं मैं थोड़ा सा। ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 + 100 यानी 200। ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? √100 यानी कि 10√2। √2 की वैल्यू 1.414 होता है, मल्टीप्लाई कर दो 14.14 मीटर। √2 की वैल्यू 10.1414 होता है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, यही आपका आंसर है। तो अब बात समझिए, पूछेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो 140 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 14.14 मीटर, ठीक है। तो ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी खतरनाक क्वेश्चन। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फर्स्ट कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव करता है और वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब जो बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। मान लिया एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस।
कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा। यहां से ए से चलना शुरू करा, फिर से ए पे पहुंच गया, इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन जब दोनों सेम हो जाए तो हम उसको कहेंगे जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैं इसे रफ कर देना हूं, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कैन एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो आपसे पूछ रहा है कैन इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर हो यस, इट मे हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब पूछेंगे कैसे होगा, हाउ, तो आप इसका जवाब ये दे सकते हैं, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम, अगर शुरू का और आखिरी पॉइंट दोनों सेम टू सेम होगा, या आप कह सकते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल लिख रहा हूं इसका, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसका मोशन जो होगा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो सकता है। मान लीजिए ये यहां से चलना शुरू करा और ऐसे चलता हुआ फिर से यहीं पे पहुंच गया, कितना चला, जीरो, डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बुक का फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकेंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। पहला स्टेटमेंट जो आपको गिवन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, इट कैनॉट बी जीरो, पहला इट कैनॉट बी जीरो, ये तो फॉल्स हो गया, क्यों फॉल्स हो गया, अभी तुरंत हमने बताया रीजन, यही लिख सकते हैं आप सेम टू सेम, इनिशियल और फाइनल पोजिशन अगर सेम टू सेम हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा, इट कैनॉट बी जीरो लिखा हुआ तो गलत बात लिख दी इन्होंने। अब कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से ज्यादा होगा, ये बात तो गलत लिखा हुआ, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया, डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो दूसरा पार्ट जो ये भी फॉल्स है, तो इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए होगा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है, ना? यानी कि डिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं होता है, तो ये दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया। ये पेज नंबर 100 पर जो एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए होते हैं, एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, तो वो है। ठीक है, तो ये तीन चार क्वेश्चन जो आपके थे। अब आज के दिन का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, जो आपकी इस एक्सरसाइज में तो कम से कम नहीं है और नहीं एनसीईआरटी बुक में है, जो मैं अपने मन से बना रहा हूं आपके सामने। ठीक है, एक बंदा है यहां पे, वो पहले इधर से इधर को जाता है, यहां यहां ये ए पर था, बी पर पहुंच जाता है, कितना मीटर जाता है, 3 मीटर जाता है, फिर वो नीचे की तरफ आता है, कितना मीटर आता है, तो मान लेते हैं 6 मीटर आता है। ठीक है, फिर ये बंदा यहां से यहां को जाता है, यहां पे सी मान लेते हैं, यहां पे डी मान लेते हैं, और ये कितना मीटर जाता है, 5 मीटर जाता है, चलिए 5 मीटर जाता है, पहले ए पर था, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर पहुंच गया, तो आपसे क्या डिस्टेंस फाइंड कीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल पूछा। ठीक है, ये बताएंगे, उसके बाद बोला डिस्प्लेसमेंट, ट्रेवल ये भी पूछ रहा है, तो डिस्टेंस तो बहुत आसानी से आप बता देंगे, 3 + 6 + 5, ये तो डिस्टेंस आसान सा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए से डी तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, हिंट कर रहा हूं मैं, इसके लिए आपको एडी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, एडी, अब इस एडी का लेंथ आप कैसे फाइंड करेंगे ये आप पर है। ठीक है,
कुछ भी करो, कैसे भी करो, इस एडी का लेंथ फाइंड करो, कोशिश करना है फाइंड करने का। हो जाए तो कमेंट में लिख दो, बता दो मुझे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।